प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती पर आयोजित किसान सम्मान दिवस में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही मंचासीन समस्त सम्मानित मंत्रीगण और आदरणीय अधिकारियों का भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के प्रणाम से आप सबका स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बीज से लेकर बाजार तक हर कदम पर अपने अन्नदाताओं के साथ खड़ी है और उन्नत कृषि और समृद्धशाली अन्नदाताओं के लिए प्रतिबद्ध भी है। सबसे पहले स्वागत किया जाएगा हम सब की ओर से। मैं माननीय कृषि मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध करूंगी कि एक बहुत ही विशिष्ट उपहार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। किसानों द्वारा जो अन्न उगाया जाता है, दालें, गेहूं, चावल, मटर, मूंगफली, ऐसी छोटी छोटी मात्रा में संकलित ये कृषि का प्रतीक, ये प्रतीक चिन्ह। और इसके बाद हम अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी से अनुरोध करेंगे कि माननीय कृषि मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय मत्स्य पालन मंत्री माननीय श्री संजय निषाद जी, माननीय सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री JPS राठौर जी, माननीय उद्यान और कृषि विपणन मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, माननीय कृषि राज्य मंत्री माननीय श्री बलदेव सिंह औलख जी और माननीय अध्यक्ष उपकार कैप्टन विकास गुप्ता जी का भी हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें और आपकी तालियों से आपके दिल की भावनाएं मंच तक पहुंचे। और अब हम सचिव और निदेशक कृषि डॉक्टर राजशेखर जी से अनुरोध करेंगे कि आदरणीय मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी का भी स्वागत करें और साथ ही अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी का भी हृदय से स्वागत करें। अन्नदाताओं द्वारा उगाया गया ये अन्न, इसी से आपका स्वागत। मिशन किसान कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं माननीय कृषि मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने उद्बोधन से सभी का स्वागत करें और इस आयोजन के बारे में जानकारी दें। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 21वीं जयंती के अवसर पर आज के किसान दिवस के इस कार्यक्रम के समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मत्स्य विकास मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी, माननीय सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय JPS राठौर जी, माननीय उद्यान और विपणन मंत्री आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी, मेरे साथ मेरे मित्र और सहयोगी के रूप में काम कर रहे कृषि राज्य मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्त जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, सचिव डॉक्टर राजशेखर जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित किसान भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, मीडिया के मित्रों, मैं आज अपनी तरफ से और उत्तर प्रदेश के सभी किसानों की ओर से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को उनकी 21वीं जयंती के अवसर पर मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और सभी किसान भाइयों को अपनी ओर से बधाई देता हूं।
कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो उनकी कल्पना थी किसानों के लिए, गांव और गरीब के लिए, उसको साकार करने का काम किया है, इसके लिए मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अपनी ओर से बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं, सभी मंत्रियों का स्वागत करता हूं जो इस कार्यक्रम में अपना समय उन्होंने निकाला। पिछले वर्षों में 10 वर्षों के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने विगत 7 सालों के भीतर जो चौधरी साहब का सपना था कि खेत और खलिहान के विकास होने से ही देश के विकास का रास्ता खुलता है, उन दोनों ने उस उनके संकल्प को साकार करने का काम यह किया है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने चौधरी साहब किसानों के अत्यंत हितैषी थे और हर पल और हर सांस किसानों की कैसे उनकी उन्नति और बहबूदी हो उसके लिए उन्होंने ध्यान दिया और जब कभी भी अवसर मिला उसके लिए उन्होंने काम किया। उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश अधिनियम के साथ साथ पटवारी प्रणाली को समाप्त करते हुए राजस्व कानूनों के भीतर बेहतर सुधार करने की दृष्टि से प्रयास किए थे। आज उसी दिशा में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और कई कदम आगे बढ़कर के हर किसान भाई के प्लाट टू प्लाट का डिजिटल सर्वे करवा करके और उनको सही उनके खेतों की रकबा क्या है और उसमें किस प्रकार की खेती लगी हुई है, अभी हम लोगों ने इस योजना को पिछले रवि के सीजन से प्रारंभ किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश के किसानों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमारे प्रदेश के किसान भाई सुखी और समृद्धि हों। माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी ने 2017 में मुख्यमंत्री होते हुए ही पहला कैबिनेट का फैसला इस बात का लिया था कि उत्तर प्रदेश के किसानों का जिन्होंने केसीसी के माध्यम से बैंकों से कर्ज लिए हैं उनके 2017 के पहले के ऋणों के जिनके ऊपर बकाया है उनका 1 लाख रुपए तक के कर्जे की माफी करेंगे। शायद देश के इतिहास में उतना बड़ा किसी भी सरकार ने फैसला नहीं लिया जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लिया। दूसरा उस फैसला उस कैबिनेट का ये था कि राज्य के भीतर किसानों के द्वारा उस समय गेहूं की खरीदारी होने वाली थी, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड खरीदारी उत्तर प्रदेश के भीतर किया जाएगा और किसानों को उनके गांव के सभी 8 से 10 किलोमीटर के भीतर ही क्रय केंद्र लगाए जाएंगे और पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य ने 37 लाख मेट्रिक टन की खरीदारी करके एक रिकॉर्ड बनाया था और निरंतर उस दिशा में आप आगे की ओर बढ़ते गए, चाहे वो धान की खरीदारी हो। आज उत्तर प्रदेश में इस खरीफ के सीजन में 5 जिंसों की खरीदारी आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में हो रही है, धान की खरीदारी हो रही है, बाजरा, ज्वार, मक्का और मूंगफली की खरीदारी। पहली बार उत्तर प्रदेश के किसानों को जो पैदा कर रहे हैं उनको सही प्रकार की कीमतें मिल सकें, इसके लिए जो योगदान किया है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने वो चौधरी चरण सिंह जी के सपने और संकल्प को साकार करता है। साकार करने का काम उनके नाम पर राजनीति तो बहुत लोगों ने किया लेकिन साकार करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। हम लोगों ने विगत वर्षों के भीतर 51,000 किसान भाइयों के खेतों पर कुसुम योजना के भीतर सोलर पंप लगाए हैं और कल ही रात आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला हुआ है कि 30,000 सोलर पंप हम और लगाएंगे इस साल और अगले साल जो है वो 42,000 सोलर पंप हम किसान भाइयों को देंगे और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के पूर्व जो संकल्प पत्र था कि 1 लाख किसानों के यहाँ हम सोलर पंप लगाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1 लाख से भी ऊपर हम रिकॉर्ड तोड़ करके उसको लगाने वाले हैं। पिछले वर्षों में 700 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्चा किया है हम लोगों ने, आने वाले दिनों में 450 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च होगा। ये अनुदान के रूप में किसानों को सिर्फ कृषक अंश देना पड़ता है, योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार मिलकर के 60% अनुदान उस पर देती है जिससे कि राज्य के भीतर बिना बिजली के सिंचाई क्षमता हमारे किसान भाइयों की पड़ रही है और वर्ष भर उसके माध्यम से वो खेती कर रहे हैं। इसी प्रकार से
खेत तालाब योजना के माध्यम से बुंदेलखंड के भीतर या जिन जनपदों के भीतर जलस्तर नीचे की ओर जा रहा था वहाँ पर भी हम लोगों ने 31,31,000 से ज़्यादा खेत तालाब खुदवाए, वर्षा जल संचयन करके किसान भाइयों की खेती उसके माध्यम से हो रही है। राज्य के भीतर यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करते हुए लगभग 2,00,000 से ज़्यादा कृषि यंत्र योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 7 साल के भीतर हम लोगों ने किसान भाइयों को मुहैया कराया है और उस पर लगभग 1,700 करोड़ रुपए की धनराशि हम लोगों ने खर्च की है। आपको 80% अनुदान पर, 50% अनुदान पर आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों 51 ट्रैक्टरों को यहाँ पर मंडी समिति से जो है उनको आज यहाँ पर अभी झंडा दिखाया गया है और इसी तरीके से मुरादाबाद में 21 किसानों को और दिया जाएगा। लगातार किसानों को आधुनिक और तरीकों से खेती कर सके इसके लिए यंत्रीकरण के भीतर आपने योगदान किया है। राज्य के भीतर FPO बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उससे अलग हट करके आप राज्य के भीतर बनाइए। आज 3,500 के करीब FPO बने हैं किसानों के द्वारा बीज से लेकर के बाजार तक की व्यवस्था करते हुए जहां किसान उत्पादक था वहीं पर उसको अब प्रोसेसर और साथ साथ में उसको व्यापारी के रूप में भी व्यवसाय करने की क्षमता को बढ़ाए जाने में कृषि विभाग संलग्न है। हमने डिजिटल क्रॉप सर्वे के बारे में आपको बताया। राज्य के भीतर दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ाया जाने की दृष्टि से हम ये जानते हैं कि हमारे देश के भीतर अभी भी खाने वाला तेल विदेशों से आयात होता है। लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए का तेल हर साल आते हैं। इसी तरीके से 40 से लेकर के 50,000 करोड़ रुपए की दाल बाहर से आती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य के भीतर दलहन और तिलहन की खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं और अभी इस साल हम लोगों ने खरीफ और रबी के सीजन को मिलाकर के लगभग 14,00,000 किसान भाइयों को दलहन और तिलहन की खेती के लिए हमने वहाँ निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करवाए हैं, जिसके माध्यम से आज जब आप जाएंगे यहाँ से मुरादाबाद तक तो नीचे खेतों में देखेंगे तो पूरे खेत आज पीला पीला दिखाई देंगे। ये राज्य के भीतर तिलहन उत्पादन के कार्यक्रम को बहुत प्राथमिकता से चलाया गया है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने MSP दलहन और तिलहन की दुगुना से ज़्यादा कर दिया है। जो 2014 में थी उससे 2 गुना से ज़्यादा दलहन और तिलहन की MSP है। मैं उसको पूरा उसका विवरण नहीं बताना चाहूँगा। बहुत अच्छे तरीके से लगभग 700 करोड़ रुपए के बाजरे की खरीद इस बार हुई है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन के भीतर। इसी तरीके से ललितपुर और झांसी के भीतर मूंगफली की खरीद हुई है। लगातार निरंतर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जो आपका ये एक लक्ष्य है कि हम उत्तर प्रदेश को $1 trillion इकॉनमी के रूप में बनाएंगे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को और उनके मार्गदर्शन में आज सभी हमारे जो कृषि और कृषि के हमारे सहवर्ती विभाग के मंत्री और अधिकारी यहां पर बैठे हैं। इन सबके सौजन्य से 9.3% से ऊपर उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर चल रही है जो अपने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जब हम लोग सरकार के भीतर आए थे तो 3.3 कृषि दर का उस समय कृषि दर था और निरंतर बढ़ते गए। कोविड काल के भीतर 22% विकास दर, जो उसके विगत वर्ष के तुलना में 22% से ज़्यादा विकास दर कृषि क्षेत्र की रही है और इसमें हमारे किसान भाइयों, वैज्ञानिकों और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सबका योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज किसान दिवस के अवसर पर समय निकाल करके हम लोगों के मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हैं। सबका बार बार अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की गतिविधियों, कार्यक्रमों और आज के आयोजनों के विभिन्न चरणों के बारे में एक छोटी सी फिल्म बनाई है, आइए देखते हैं। देश की खुशहाली, प्रगति और समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर जाता है। इसी मंत्र के अनुरूप आजादी के बाद पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से अन्नदाताओं के साथ खड़ी है डबल इंजन की सरकार। किसान क्रेडिट कार्ड, फसल सुरक्षा बीमा जैसी योजनाओं ने किसानों को दिया नया हौसला, नई उम्मीद। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसानों को मिला है बीज से बाजार तक कर्मयोगी सरकार का साथ।
अन्नदाताओं के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया मिशन किसान कल्याण। संवेदनशील सरकार ने अपने पहले कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में ही किसान भाइयों को दी खुशियों की सौगात। अन्नदाताओं को गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि यंत्रों की उपलब्धता के साथ ही कृषि उपज क्षमता में हुआ विस्तार। हर खेत को पानी का संकल्प हुआ साकार। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं रिकॉर्ड समय में हुई पूरी। उपज को दोगुना दाम, गेहूं, धान, मक्का आदि जैसी फसलों की MSP में हुई रिकॉर्ड वृद्धि। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में अन्नदाताओं की बदल रही है पहचान। सेहत के लिए वरदान, श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहन और गन्ना किसानों को मिला रिकॉर्ड भुगतान। अपने अन्नदाता किसानों के सम्मान की रक्षा करने और उनकी आमदनी को आपकी भावना के अनुरूप दुगना करने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 2,63,00,000 किसानों को मिला स्वाभिमान से जीने का अधिकार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाई अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान। इसी श्रृंखला में आज किसानों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रखर किसान नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 121वीं जयंती के उपलक्ष्य में किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधान भवन प्रांगण में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत 51 कृषकों को ट्रैक्टर वितरण फ्लैग ऑफ भी किया गया। इस अवसर पर लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में किसान भाइयों को सम्मान एवं पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। यह पुरस्कार फसल उत्पादन, प्राकृतिक खेती, कृषि उत्पादक संगठन, औद्यानिक खेती, संरक्षित खेती, पराली प्रबंधन के साथ ही कृषि उद्यमियों, कृषि वैज्ञानिकों और महिला किसानों को भी दिया जा रहा है। निश्चित ही किसान भाइयों को मिलने वाली यह सुविधाएं और सम्मान कृषि क्षेत्र को देगा नई पहचान। अन्नदाताओं को सम्मान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। इस फिल्म के माध्यम से आपने देखा कि हमारे किसान अन्नदाताओं के लिए सरकार की ओर से कितना कुछ प्रयास किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज एक नई तकनीक का भी शुभारंभ हो रहा है, किसान मित्र AI, जिसे हम लोग शॉर्ट में कमाई कहते हैं। ये एक ऐप होगा और हमारे अन्नदाताओं के संवाद और सुविधा का अभिव्यक्ति का एक माध्यम बनेगा। इस ऐप के बारे में जानकारी देने के लिए मैं अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूंगी कि इसके बारे में हमें जानकारी दें। संक्षिप्त में बताएंगे, आपकी प्रेरणा से और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी कृषि क्षेत्र में AI के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात कही है और ये किसान मित्र AI चैटबॉट है, ये कृषि प्रसार में एक महत्वपूर्ण कदम होगा हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स और किसानों भाई और बहनों के लिए भी। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT द्वारा जो भाषिनी इनिशिएटिव को आरंभ किया गया था उसी का उपयोग करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम लोग ने इसको डेवलप किया है बहुत कम समय में, जिसका आपके माध्यम से आपके कर कमलों से आज शुभारंभ है। और भाषिनी के CEO श्री अमिताभ नाग जी भी उपस्थित हैं देखने के लिए कि उनके द्वारा की गई मेहनत का कैसे अब कृषि सेक्टर में उपयोग हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सभी गणमान्य यहाँ पर उपस्थित हमारे अतिथियों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका शुभारंभ करें। बटन दबाकर किसान मित्र चैटबॉट का शुभारंभ। नमस्ते, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत में AI टेक्नोलॉजी को कई क्षेत्रों में लाने पर अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। हम भारत में AI मिशन भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मिशन के तहत एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में AI एप्लीकेशंस को प्रमोट किया जाएगा। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा किसान मित्र AI चैटबॉट का अनावरण किया जा रहा है। प्रथम चरण में ये चैटबॉट मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सभी कृषि तकनीकी सहायकों के लिए उपलब्ध होगा। यह एक निःशुल्क चैटबॉट है जिस पर आप कृषि संबंधी सभी सवालों के उत्तर पा सकते हैं।
इस चैटबॉट से आप अपनी फसल के लिए उचित बीज की तरह खाद, कीटनाशक के चुनाव और भिन्न योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया पर भी सलाह पा सकते हैं। इस चैटबॉट का आप 3 आसान कदमों में प्रयोग कर सकते हैं। पहला, अपने फोन के ब्राउजर पर किसान मित्रा up.ai टाइप करके किसान मित्र AI चैटबॉट को खोलें। इस पर अपने दर्ज किए गए फोन नंबर पर प्राप्त होने वाले OTP को टाइप करके लॉगिन करें। दूसरा, माइक बटन पर एक बार टैप करके आप अपना कृषि संबंधी सवाल सीधा हिंदी या अंग्रेजी में बोलकर पूछ सकते हैं। जीवामृत को कैसे बनाया जा सकता है? चैटबॉट द्वारा दिए गए उत्तर को आप ये बटन दबाकर सुन भी सकते हैं। जी मरुधा एक प्राकृतिक जैविक उर्वरक है जिसे सरल अवयवों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। ऐसे ही पूरा विवरण सुना जा सकता है। आप अनुवर्ती प्रश्न बोल के या टेक्स्ट बॉक्स में इस तरह टाइप करके भी पूछ सकते हैं। तीसरा, चैटबॉट द्वारा दी गई सलाह या उत्तर आप अन्य किसानों के साथ बांटने के लिए डाउनलोड या शेयर बटन का प्रयोग करें। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाए गए भाषिणी के प्रयोग से यह चैटबॉट हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। इस चैटबॉट को गोष्ठियों, किसान सम्मेलनों, पंचायत बैठकों, नई फसलों के प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रमों के दौरान प्रयोग करना ना भूले। सभी तकनीकी कृषि सहायकों से इस चैटबॉट का प्रयोग करके इस पर अपना बहुमूल्य फीडबैक देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे उत्तर प्रदेश सरकार चैटबॉट को और सशक्त बनाने में सक्षम होगी और अगले 3 महीने में किसान मित्र चैटबॉट को उत्तर प्रदेश के सभी किसानों के लिए लॉन्च कर पाएगी। आज ही किसान मित्र AI चैटबॉट का प्रयोग करें। धन्यवाद। कृषि के क्षेत्र में एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है इस ऐप के माध्यम से, और अब बारी है किसानों के सम्मान की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वो इन सभी अन्नदाताओं को सम्मानित करने की कृपा करें। इन्हें सम्मान के रूप में अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र और धनराशि का डमी चेक दिया जाएगा। इस क्रम में सबसे पहले गेहूं की फसल के लिए श्री वीरेंद्र सिंह जी कन्नावा रायबरेली से प्रथम पुरस्कार राज्य स्तर पर जिन्हें मिल रहा है 1,00,000 रुपए की धनराशि। आप देख सकते हैं इनका विवरण भी स्क्रीन पर आ रहा है, इन्होंने क्या क्या किया। चना की फसल के लिए श्री सोनू पटेल ललितपुर से प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपए की धनराशि, अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र। धनराशि इतनी बड़ी और तालियां इतनी कम। मटर में उत्पादकता के लिए श्री प्रमोद कुमार रखवारा ललितपुर के प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपए की धनराशि, मसूर की उत्पादकता के लिए श्री अमान को बंगरा झांसी के 1,00,000 रुपए की धनराशि प्रथम पुरस्कार, धान की फसल के लिए श्री जयराम सिंह जी को सरावा रायबरेली के प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपए की धनराशि। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ अरहर की उत्पादकता के लिए श्री करण सिंह मथुरा के प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपए की धनराशि। इन सभी का विवरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तिल फसल की उत्पादकता के लिए श्री शत्रुधन नगायत जी का, शत्रुधन जी का आमंत्रण हम देते हैं। जालौन के 1,00,000 रुपए की धनराशि प्रथम पुरस्कार, विशिष्ट महिला की श्रेणी में श्रीमती सुमित्रा जी को दिया जा रहा है, लखनऊ की हैं। मत्स्य बीज उत्पादन किया 75,000 रुपए की धनराशि। तालियां महिला कृषक के लिए भी इतनी कम।
और अब श्री अन्न के उत्पादन के लिए ज्वार के लिए श्री गोपाल सिंह जी मोहसिनपुर कानपुर नगर के प्रथम पुरस्कार 1,00,000 की धनराशि बाजरा के लिए श्री विजेंद्र सिंह मोहम्मदपुर फिरोजाबाद के प्रथम पुरस्कार 1,00,000 की धनराशि कोदो के लिए श्री अशरफी लाल सोनभद्र से प्रथम पुरस्कार 1,00,000 की धनराशि रागी के उत्पादन के लिए श्रीमती मंत्रवती इटावा से प्रथम पुरस्कार 1,00,000 की धनराशि ताली बजाने से सर्दी का एहसास भी कम होता है। एफपीओ की श्रेणी में मिर्जापुर की सुश्री अपर्णा श्रीवास्तव जी 75,000 रुपए की धनराशि द्वितीय पुरस्कार प्राकृतिक खेती श्रेणी में श्री हरिशंकर सिंह जी वाराणसी के 75,000 रुपए की धनराशि औद्यानिक खेती में श्री छोटे लाल मौर्य जी रायबरेली के 1,00,000 रुपए की धनराशि कृषि अवसंरचना निधि श्रेणी के अंतर्गत कृषि उद्यमी श्रीमती रेखा सोनकर जी को पुरस्कार कमर्शियल टिश्यू कल्चर प्लांट लगाया आपने और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को सम्मानित करने की श्रेणी में डॉक्टर दया शंकर श्रीवास्तव कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर। हम आपको बता दें कुछ अधिकारियों को भी पराली प्रबंधन में सम्मान दिया जा रहा है। श्री सौम्या अग्रवाल श्री कृष्णा करुणेश श्री उमेश प्रताप सिंह श्री दीपक मीणा और श्री जोगेंद्र सिंह जी उनके लिए भी तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका और इन अधिकारियों के लिए भी जोरदार तालियाँ बजा दें। और अब बारी है इन जो सम्मानित हुए ये हमारे अन्नदाता इनकी एक यश गाथा रही किस तरह से इन्होंने चुनौतियों को अवसर में बदला और अपने लक्ष्य को अपने संकल्प के द्वारा सिद्ध कर पाए इस यश गाथा को एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया है और इस पुस्तिका का नाम है विकास यात्रा अन्नदाताओं की किसानों की और इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको प्रेरणा भी मिलेगी। इस पुस्तिका को मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इस के किसानों की यश गाथा विकास यात्रा पुस्तिका का विमोचन करें और जैसे ही विमोचन होगा ई बुक के रूप में भी ये संकलित की गई है तो ई बुक का भी शुभारंभ साथ ही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विशिष्ट अतिथिगण। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में उन्नत कृषि के साथ हमारे अन्नदाताओं की सम्मान और समृद्धि को एक सशक्त और समर्थ पहचान दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी जिनका मार्गदर्शन हमें सफलता की गारंटी देता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस पावन दिवस पर हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें आपकी जोरदार तालियों के प्रणाम और अभिवादन के साथ। किसान सम्मान दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी,
उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलक जी, उपकार के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, और आज के इस किसान सम्मान दिवस के अवसर पर उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, भारत माता के महान सपूत और महान किसान नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आज 121वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर चौधरी साहब को देश की सेवा के लिए, अन्नदाता किसानों के जीवन में किए गए उनके प्रयासों के लिए स्मरण करते हुए, नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम सब जानते हैं कि चौधरी साहब ने देश के अन्नदाता किसानों के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें कही थी, और उस समय जब आबादी भी कम थी और वे स्वयं, उन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई लॉ से की थी, लेकिन किसान और कृषि पृष्ठभूमि होने के नाते उनका बहुत सारे मुद्दों पर बहुत स्पष्ट था, स्पष्ट राय थी कि जब तक किसान गरीब रहेगा भारत अमीर नहीं हो सकता। ये चौधरी साहब की बातें थी। ग्रामीण भारत ही असली भारत है। भारतवर्ष की समृद्धि का मार्ग देश के खेत एवं खलियान से होकर के गुजरता है, या जागरूक जनशक्ति ही सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार है, और इसके लिए उन्होंने ढेर सारे कार्यक्रम और रिफॉर्म करने की दिशा में वे आगे बढ़े। बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को बंद करने के लिए मंडी बिल पारित कराने का कार्य हो, उत्तर प्रदेश में होल्डिंग अधिनियम के समेकन की प्रमुख भूमिका हो, लघु सीमांत श्रेणी के किसानों के 3.5 एकड़ तक भूखंडों को भू राजस्व के भुगतान से छूट दिलवाने का मामला हो, उर्वरकों को विक्री कर से मुक्त कराने का मामला हो, या काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हो, या फिर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, जैसे महत्वपूर्ण ऐसे कार्य थे जो चौधरी साहब ने अपने समय में किसानों के साथ जुड़ करके अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के अभियान को आगे बढ़ाया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि सन 2001 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रदेश में कार्यरत थी, उस दौरान चौधरी साहब के इन सपनों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए, चौधरी साहब के जन्मदिन को किसान सम्मान दिवस के रूप में हम मना सकें, इस दृष्टि से राज्य सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, आज ये अपनी एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अच्छे प्रशासक थे और एक महान किसान नेता भी थे। आज उनकी 121वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर उनके स्मरण को नमन करते हुए मैं प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर हमने बदलते हुए भारत को देखा है। पहली बार
देश के अन्नदाता किसानों ने इस बात को महसूस किया है कि किसान भी किसी सरकार के प्राथमिक एजेंडे का हिस्सा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चले हैं पिछले 9.5 वर्ष के अंदर, वे हम सबके सामने किसान की उपज को सुरक्षा की गारंटी देना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यक्रम हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यक्रम, हर खेत तक पानी पहुंचे, अन्नदाता किसान को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसानों को एमएसपी का ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हुए अब तक 15 किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हमारे अन्नदाता किसानों के पास पहुंच चुका है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 किसानों के खाते में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंच चुकी है और बिना भेदभाव के पहुंच रही है। भाइयों बहनों, ढेर सारे परिवर्तन और ढेर सारे रिफॉर्म करते हुए कृषि को भी हम लाभकारी बना सकते हैं। आज इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उत्तर प्रदेश की दिशा से ही अगर हम देखेंगे, लगभग 22 से 23 लाख हेक्टेयर लैंड को तो हमने सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा दी है। ढेर सारे कार्य किस पे किए जा रहे हैं, अभी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। गन्ना किसानों को पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर, भाइयों बहनों, जो पैसा जितना कभी नहीं मिला उससे कई गुना पैसा अधिक लाभ, 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक हम अन्नदाता किसानों के खाते में, केवल गन्ना किसानों के खाते में भेज चुके हैं। धान और गेहूं की सीधे खरीद और एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को डीबीटी के माध्यम से देंगे, यह अभी पहली बार देखने को मिला होगा। आज खेती को अगर व्यक्ति ईमानदारी के साथ सही तरीके से आगे लेकर के करता है, अब वह घाटे का सौदा नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार की स्कीम उसका संबल बनती है, उसके स्वावलंबन का आधार बनती है। और इसी में श्री अन्न की दृष्टि से जो कार्यक्रम हुए हैं वो अलग है और नेचुरल प्राकृतिक खेती अलग है। प्राकृतिक खेती में हर मंडी में, हर कृषि विज्ञान केंद्र में, हर कृषि विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेशन की कार्रवाई हो और उसका ज्यादा दाम अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो, जहां इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि मोटा अनाज के माध्यम से, श्री अन्न के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी ने 2023 का वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की दृष्टि से मिलेट वर्ष घोषित करते हुए इसकी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग भी की, एक मार्केटिंग की व्यवस्था मिले, यहां के अन्न को दुनिया के अंदर भी स्थान मिल सके, इसकी व्यवस्था भी। और अभी आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किसान मित्र के रूप में ऐप के माध्यम से कैसे किया जा सकता है, यह एक एप्लीकेशन हम लोगों ने भी यहां पे लॉन्च किया है। यानी किसान की हर क्वेरीज का जवाब केवल उसके स्मार्टफोन से ही प्राप्त हो जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, आपने देखा होगा अभी हर ग्राम पंचायत के लिए और आगामी कुछ समय के बाद के साथ 2 करोड़ ड्रोन दीदी तैयार होनी है, महिला स्वयंसेवी समूह के हाथों में गांवों में अब तक जो केमिकल, जो फर्टिलाइजर, जो पेस्टिसाइड, जो दवा छिड़काव का कार्य अब तक व्यक्ति हाथ से करता था, मैन्युअली करता था, अब ड्रोन जिसमें किसान को 1 घंटा से ज्यादा समय 1 एकड़ खेती में लग जाता था, अब 1 एकड़ 1 घंटे में
वह 100 एकड़ खेती के लिए अकेले ड्रोन से ही एक घंटे में उसने में दवा का छिड़काव या खाद का छिड़काव या पेस्टिसाइड का छिड़काव अपने खेत में करवा सकता है, अगल बगल करा सकता है। एपीओस के क्षेत्र में हम सामूहिक रूप से मिलकर के न केवल खेती बाड़ी को बल्कि इसके माध्यम से फूड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं। और यही नहीं, वेयर हाउस के निर्माण करके अगर मार्केट में दाम कम है तो हमारी उपज हमारे वेयर हाउस में रहेगी, और जब मार्केट में दाम अच्छा मिलेगा हम अपने गोदाम से सामान निकाल करके मार्केट में उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए भी एपीओस के माध्यम से हर विकास खंड स्तर पर वेयर हाउस निर्माण की कार्रवाई के साथ साथ इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। भाइयों बहनों, ढेर सारे कार्यक्रम चले हैं, पहली बार आपने देखा होगा, अब तक तो मनुष्यों की ही जांच होती थी, अब तो मनुष्य के साथ साथ जिस धरती माता के द्वारा हमारा पेट भरने के लिए और हमारी जीविका को चलाने के लिए अन्न उत्पन्न किया जाता है उस धरती माता की सेहत की भी देखभाल होगी। प्रधानमंत्री सॉयल हेल्थ कार्ड इसका उदाहरण है। हर स्तर पर रिफॉर्म करने के प्रयास हुए हैं, नए कार्यक्रम हुए हैं, और उसी श्रृंखला का हिस्सा है आज यहां पर जिन किसानों का सम्मान किया गया है। सचमुच अभूतपूर्व कार्य किया हमारे किसानों ने, मैं भी देख रहा था। गेहूं उत्पादन करने वाले हमारे किसान हैं श्री बीरेंद्र सिंह रायबरेली से, इन्होंने प्रति हेक्टेयर 88 कुंतल गेहूं का उत्पादन किया है। 88 कुंतल मोलहराम, इन्होंने 84 कुंतल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन किया है। और हरिराम या अंबेडकर नगर से हैं, इन्होंने 78 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं का उत्पादन अपने खेतों में किया है। चना में श्री सोनू पटेल, ये ललितपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने 46 कुंतल प्रति हेक्टेयर। श्री राजेंद्र सिंह, ये ललितपुर के ही रहने वाले हैं, इन्होंने 43 कुंतल। और श्री मनसाराम, इन्होंने 42 कुंतल प्रति हेक्टेयर चना का उत्पादन किया है। ऐसे ही मटर में श्री प्रमोद कुमार, ये ललितपुर के हैं, इन्होंने 55 कुंतल प्रति हेक्टेयर। श्री भरत सिंह पटेल, इन्होंने 54 कुंतल प्रति हेक्टेयर। और श्री राजा सिंह, इन्होंने 50 कुंतल प्रति हेक्टेयर मटर का उत्पादन किया है। ऐसे ही धान में, यानी इसमें दलहन और भी हैं, तिलहन भी हैं, राई में, जैसे राई में राधे श्याम हैं बरेली के, इन्होंने 46 कुंतल प्रति हेक्टेयर। श्रीमती राम बेटी, इन्होंने 45 कुंतल प्रति हेक्टेयर। श्री विजय कुमार, इन्होंने 38 कुंतल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन किया है। धान में अगर आप देखें, श्री जयराम सिंह रायबरेली के हैं, इन्होंने प्रति हेक्टेयर 110 कुंतल का उत्पादन किया है। शत्रुघ्न लाल यादव, इन्होंने 105 कुंतल प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया है। और श्री बद्री प्रसाद हैं, इन्होंने 95 कुंतल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन किया है। मकई में भी, अरहर में भी, और ऐसे ही उड़द के उत्पादन में, तिल के उत्पादन में अच्छा कार्य यहाँ पर किया गया है। और उसी का परिणाम है कि अन्नदाता किसानों को अभी यहाँ पे सम्मानित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी जब मैं उनके मुंह से सुन रहा था उनकी बात को, उनकी सफलता की कहानी को। और मुझे लगता है कि इन सफलतम किसानों के खेत की फोटोग्राफी लेकर के, इनके कार्यक्रम जगह जगह कृषि विज्ञान केंद्रों में इनकी बात को लेकर के, इनकी बात का वहां पे किसानों के बीच में इनका उद्बोधन कराया जाना चाहिए, इनके अनुभव का लाभ वहां पे देने की आवश्यकता है, जिससे प्रदेश भर का किसान इस दिशा में प्रयास करके वह भी अच्छा कम लागत में अच्छा उत्पादन कर सके, इस दिशा में वे प्रयास कर सकेंगे और उस दिशा में एक अच्छा कार्य हो सकता है। ऐसे मिलेट के लिए भी, श्री अन्न के लिए भी, श्री गोपाल सिंह कानपुर नगर से, श्री सूर्य प्रकाश कानपुर नगर से, केशव प्रसाद श्री हमीरपुर से, इन अन्नदाता किसानों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। ऐसे ही बाजरा के लिए, कोदो के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए भी यहाँ पर कुछ अन्नदाता किसानों को सम्मानित किया गया है, जिसमें श्री हरिशंकर सिंह वाराणसी,
श्री शरद कुमार सिंह बिजनौर, श्री कमला त्रिपाठी, श्रीमती कमला त्रिपाठी महोबा, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और प्रदेश के अंदर हमारे एफपीओज भी अच्छी संख्या में कार्य कर रहे हैं। रामपुर का है रामपुर कृषक उत्पादक संगठन, इनको पहला पुरस्कार मिला है। मिर्जापुर में नव चेतना एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, ये मिर्जापुर का है। और शिवा एफपीसी, ये बहराइच का है, इन्हें प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार मिले हैं। औद्यानिक खेती में छोटे लाल मौर्य हैं, ये रायबरेली से हैं। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह बाराबंकी से हैं और श्री रामकरण तिवारी इटावा से हैं। और इसी प्रकार से अन्य संरक्षित खेती में भी हमारे अन्नदाता किसानों को मेरठ, श्रावस्ती और मुजफ्फरनगर में के अन्नदाता किसानों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और पराली प्रबंधन के लिए भी जिन अधिकारियों ने अच्छा कार्य किया है उनको भी आज यहाँ पे सम्मान देने के साथ साथ यहाँ पर अन्य तमाम कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। साथ साथ मंडी समिति के द्वारा मंडी में सबसे अधिक कृषि उत्पादन के अपनी खेती से जो अन्न उत्पन्न होता है इसकी बिक्री करने वाले किसानों को जो टोकन प्राप्त होता है उस आधार पर ऐसे 51 किसानों को ट्रैक्टर भी आज प्रदान किए गए हैं जिन्हें इससे पहले हम लोगों ने फ्लैग ऑफ किया है। भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जहां किसान का सम्मान होता है, उसके परिश्रम और पुरुषार्थ के सामने शासन उन्हें नतमस्तक होकर के सम्मान देता है। और यह इसलिए क्योंकि आपका परिश्रम और पुरुषार्थ न केवल उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ा रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश को देश की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में मदद कर रहा है। आपके परिश्रम का परिणाम है कि हमने अपने कृषि विकास की दर को 9% तक पहुंचाया है, लेकिन इसको आने वाले समय में अगर हमें प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश को 2027-28 तक $1 trillion की इकोनॉमी बनना है तो हमें वर्तमान की विकास दर को इससे 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश में ये संभावना है और इस संभावना को परंपरागत खेती के साथ साथ वेजिटेबल की खेती, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, इन सब में भी और नेचुरल फार्मिंग की दिशा में भी आप कार्य करेंगे। कल हम लोगों की लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे फैसले किए हैं, खासतौर पर फैसला किया गया जैसे सरकार ने पहले कहा कि निजी ट्यूबवेल जितने भी लगाए गए हैं प्रदेश के अंदर पहले थे उनको हम फ्री में बिजली की कार्रवाई देने की कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिससे उन किसानों पर एक बोझ अतिरिक्त कम किया जा सके। दूसरा, डीजल से चलने वाले जितने भी ट्यूबवेल हैं उनको हम सोलर पैनल देकर के डीजल की बचत करने की दिशा में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और इसमें प्रदेश सरकार की सब्सिडी को बढ़ाने की प्रक्रिया के लिए भी कल एक बैठक करके हम उसको फाइनल दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। इसके अलावा किसानों के अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान होने से बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए सोलर पैनल और फेंसिंग की कार्रवाई हम लोगों ने जंगलों में कल कृषि और वन विभाग के साथ बैठक करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं कि तेजी के साथ इसको बढ़ाइए। और साथ साथ हमारे जितने भी ऐसा गोवंश है जो निराश्रित है जिसका लोग दूध पी करके छोड़ दिए हैं उस गोवंश को एयरटेक करते हुए हम उस गोवंश को निराश्रित गो आश्रय स्थल में ले जाकर के उसके लालन पालन की व्यवस्था कर सकें। पशुपालन विभाग इस दिशा में 3 प्रकार की योजनाएं चला रहा है और मेरी आप सबसे विनम्र अनुरोध होगा प्राकृतिक खेती और जिसको आप जीरो बजट खेती कहते हैं उसका आधार यही गोवंश है। ये गाय केवल दूध के लिए नहीं है, भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था की आधार गोवंश, गौ और गाय गोवंश है। गौ माता की सेवा से पुण्य भी प्राप्त होगा और साथ साथ गौ सेवा के माध्यम से धर्म भी होता है और कृषि के माध्यम से कर्म भी एक साथ होता है। दोनों को एक साथ हम उसके माध्यम से कर सकते हैं।
हम तीनों प्रकार की स्कीम का भी इसमें लाभ ले सकते हैं। और अब तो सरकार ने प्रत्येक गोवंश के एक पालन के लिए, अगर वह वेरिफिकेशन होता है हर महीने, हम उसमें 1500 रुपये प्रति गोवंश उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं, अगर निराश्रित गोवंश है तो। भाइयों बहनों, इन स्कीम का लाभ हमें लेना चाहिए। आज इसको बहुत बहुत इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं, बहुत नई नई चीज़ें इसमें आ रही हैं। हमें भी अपनी खेती को, अपनी बाड़ी को, अपनी व्यवस्था को, अपने गोवंश को इस दिशा में आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। आज यहाँ पर जिन अन्नदाता किसानों का सम्मान हुआ है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। जिन अधिकारियों ने पराली प्रबंधन में अच्छा काम किया है, उनको भी मैं हृदय से यहाँ पर उनको बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती के अवसर पर, जिसे हम किसान सम्मान दिवस के रूप में इस आयोजन को यहाँ पर कर रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार आपके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, डबल इंजन की ये सरकार, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें ईमानदारी के साथ प्रयास करते हुए कार्य कर रही है, और आपको हर प्रकार से खुशहाल रखने, आपकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद और अब अंत में मैं माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। लोक भवन में आयोजित किसान सम्मान दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यशस्वी आदरणीय सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय मंत्री संजय प्रसाद जी, आदरणीय मंत्री दिनेश सिंह जी, आदरणीय मंत्री राठौर साहब, आदरणीय कैप्टन अभिजीत जी, और हमारे मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी, हमारे अपर मुख्य सचिव द्विवेदी चतुर्वेदी जी, और सभी मेरे सामने सम्मानित किसान भाइयों, आज हम सभी बड़े गौरव की बात है कि किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान सम्मान समारोह के रूप में हम मना रहे हैं। गरीबों, किसानों और मजदूरों के शोषण के विरुद्ध लड़ने वाले, उनके पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करने के कारण ही हम सभी उन्हें किसानों का मसीहा कहते हैं। देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, इसलिए देश और प्रदेश का विकास कृषि और किसान के विकास से ही हो सकता है। इसी कड़ी में प्रदेश के प्रगतिशील कृषकों को प्रोत्साहित करने का, उनका मनोबल बढ़ाने का के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज महिला एवं पुरुष कृषकों को कृषि के क्षेत्र में अनेक अद्वितीय प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मिलर्स में 2023 के में ध्यान में रखते हुए अन्न को, फसलों का, ज्वार, बाजरा, कोदा, सभी को साथ लेके गौ आधारित प्राकृतिक खेती का उद्यान फसलों के साथ साथ कृषक उत्पादकों को, संगठनों को पुरस्कार दिए गए हैं। मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने की आज माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से अनेक कृषकों की आय को दुगनी चौगनी बढ़ाने के लिए हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमें किसानों को बहुत सारे हमें सहूलतें, बहुत सारे हमें सब्सिडी दी गई है, जिसमें किसानों की आय को दुगनी और चौगनी करने का काम हुआ है। मैं सभी आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सम्मान हमारी महिला कृषक का,
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके सानिध्य और सामिप्य के लिए। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रस्थान के बाद भी बैठे रहे। माननीय कृषि मंत्री महोदय सभी को पुरस्कार देंगे, तालियों के प्रणाम से आप उन्हें भिजा दें और उसके बाद अपने स्थान पर बैठ जाएं। बाकी सभी लोगों को माननीय कृषि मंत्री महोदय अपने हाथों से पुरस्कृत करेंगे।